अब आप बॉडी हेयर को बिना दर्द हटा सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली। कितनी अच्छी बात है ना। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ हेयर रिमूवल स्प्रे। हेयर रिमूवल स्प्रे क्या काम करता है कि इंस्टेंट आपके बालों को जो है वो जड़ से हटा देता है। बस आपने स्प्रे करना है, कुछ देर के लिए रखना है, उसे जो आपके बाल हैं वो इंस्टेंटली रिमूव हो जाते हैं, वो भी जड़ से। तो मैं आपके सामने इसको ट्राई करके दिखाऊंगी, अपना होनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इससे आपके जो बाल हैं वो सच में रिमूव होते हैं। रिमूव होने के बाद जो दोबारा रीग्रोथ होती है, जो दोबारा बाल आते हैं वो कहीं मोटे तीखे तो नहीं आते, क्या इससे जो आपकी स्किन है वो रेडनेस तो नहीं हो जाती, कोई इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं होती। जो लड़कियां हेयर रिमूवल स्प्रे को यूज़ करने के बारे में सोच रही हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इनको यूज़ करने के बारे में सोच रही हैं। लेकिन मैं आपको सच में बताऊंगी कैसे यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, अपना होनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, कटकटा के मत देखना, एंड तक आप पक्का से देख लेना। तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं इसको ट्राई करके देखूं कि ये कैसा वर्क करता है। लेकिन एक छोटा सा काम आपको एक और करना है। अभी चैनल पर नए आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और आज की वीडियो तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, तो लाइक तो जरूर करते जाना, लाइक में कुछ दूसरी बिल्कुल मत दिखाना। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ अर्बन योग हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे फॉर वोमेन। मतलब इसे लड़कियाँ ही यूज़ कर सकती हैं, लड़कों के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही वाला लेना है, ऐसे बहुत सारे स्प्रे अवेलेबल हैं, आप रेटिंग के हिसाब से ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इसके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ किए हुए हैं तो मैंने इसलिए इसको ही परचेज़ किया। ये मैंने अमेजोन से लिया था, आई थिंक डिस्काउंट चल रहा था इस पर, तो मेरे को 499 का कुछ समथिंग पड़ा। और इसके पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको इसको कैसे लगाना है, कैसे हटाना है, और एक बार पहली बार अगर आप इसे लगा रहे हैं तो उससे पहले आपको पैच टेस्ट जरूर करना है। चलो अभी ट्राई करके देखते हैं कि ये कितने अच्छे से काम करता है। पहले आप देख सकते हैं कि मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी हो चुकी है। मैंने एक महीने से आई थिंक अपने बालों को अभी हटाया नहीं है क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो इतनी ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ी, तो मैंने सोचा अभी इनको हटा लिया जाए क्योंकि अभी थोड़ी समर का सीज़न जो है वो आने ही वाला है। तो फिर इसको आपको बस थोड़ा सा शेक करना है, शेक करने के बाद फिर आपने स्प्रे इसका करना है। पता नहीं स्प्रे करने में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम्स ही हो रही थी कि कहीं मेरी आंखों में ना चला जाए। जब मैंने इसे स्प्रे किया ना तो इतना ज़्यादा फैलता है ना इधर उधर, तो आप ध्यान से इसको स्प्रे करना बड़े आराम से। आप अपनी आइज़ को जो है वो बंद कर लेना ताकि आपकी आइज़ में ना चला जाए, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या केमिकल्स भैया होते हैं। और जो आप मेरी शक्ल देख सकते हैं कि इसकी जो ओडोर है, मतलब इसकी जो स्मेल सी है ना, बड़ी वियर्ड सी मेरे को लगी, बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं लगी। मतलब क्या बताऊँ अब मैं आपको, मतलब इसकी स्मेल मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी आपको सच में बताऊँ। बस इसको लगाने के बाद आपको इसको 5 से 8 मिनट तक वेट करना है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी कि इसको कैसे हटाना है। उन्होंने लिखा कि आप कोई भी कॉटन क्लोथ ले सकते हैं, वाइप्स ले सकते हैं, उसे आप हटा सकते हैं, और आपको बालों की ओपोजिट डायरेक्शन में हटाना है। तो अभी मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए रखूंगी, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो फिर अभी जो है वो 8 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉटन का क्लोथ लिया, तो अभी इसको हटा रही हूँ। तो देखते हैं कैसा काम करता है भाई। तो देखिए इसने सारे मेरे हेयर रिमूव कर दिए यार, मैं बिल्कुल मतलब शॉक्ड हो गई कि यार सच में ये इतने अच्छे से बालों को इसने रिमूव कर दिया। मतलब छोटे से छोटे जो बाल भी थे ना वो सारे जड़ से निकल रहे थे। तो मतलब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले मेरे कितने बाल थे, कितने अच्छे से इसने बालों को हटा दिया। ये तो इसका प्लस पॉइंट है कि ये इंस्टेंट बालों को आपको हटा देता है। कहने का मतलब कि सिर्फ आपको 5 से 8 मिनट रखने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे बाल जो है वो मेरे इसने साफ़ कर दिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो स्मेल है वो मेरे को थोड़ी सी वीट लगी, अच्छी नहीं लगी। मतलब ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे आप कोई वीट हेयर रिमूवल क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद जो स्मेल आती है ना वैसी स्मेल आ रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अपने हाथ को धो लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉडी वॉश के साथ धो लिया था क्योंकि इसकी जो स्मेल अभी नहीं जा रही थी। इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है, ये इसका मेरे को माइनस पॉइंट लगा। लेकिन इसने बहुत अच्छे से बालों को हटा दिया। पहले देख सकते हैं बालों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा थी, मैं आपको दूसरे हाथ पे दिखा रही हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब छोटे से छोटे बालों को भी हटा देते हैं। अगर आपके बॉडी के ऊपर कितने भी मोटे तीखे बाल हैं, छोटे से छोटे बाल हैं, कैसे भी बाल हैं, उनको वो ये इंस्टेंट हटा देता है। और इसकी बोतल के ऊपर लिखा है कि ये आपकी स्किन को डी टैन भी करता है। अगर आपको टैनिंग हो गई है तो
तो उसको भी हटाने का काम करता है। मतलब पार्लर लाइक जो फिनिश है वो आपको घर पे मिलती है। ये तो बात सही है कि इसने बहुत आपकी जो, जब मैंने इसको हटाया ना तो स्किन काफ़ी वहाँ से सॉफ्ट हो गई थी, थोड़ी सी पहले से ब्राइट भी मेरे को लगी। ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ हेयर रिमूवल स्प्रे यूज़ किया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई वैक्सिंग करते हो उसके बाद एकदम से अच्छी फिनिश आती है, बिल्कुल ऐसे ही लगा। बट मेरे को जब मैंने इसको हटाया उसके कुछ सेकंड के बाद मेरे को थोड़ी सी इचिंग सी हो रही थी, थोड़ी जलन सी मेरे को स्किन के ऊपर हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस भी हो गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है। मतलब अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो शायद ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो, आपकी सेंसिटिव स्किन है, या फिर अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आइस क्यूब आप बर्फ़ का टुकड़ा लेके वहाँ पर अच्छे से मसाज कर सकते हैं ताकि आपकी जो स्किन पर कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं तो यही बोलूँगी कि आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट बालों को हटा देता है। जब मैंने इसको लगा के ऐसे छोड़ा था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये 8 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था, तो उसके बाद जो मेरे बाल थे ना वो जल से रहे थे, जैसे मतलब कि ऐसे होते हैं ना कि एकदम से टूट से रहे थे बॉडी से। मतलब ये मेरे को लगता है इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स किए हुए हैं जो कि बालों को एकदम से जला से देते हैं, वो आपकी स्किन के लिए ये अच्छे प्रोडक्ट नहीं होते हैं। मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी या तो आप वैक्सिंग का यूज़ करें हेयर को हटा के लिए, या फिर आप रेजर का यूज करें, ऐसे प्रोडक्ट का ना यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो आपकी चॉइस है, जो आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं, वो तो मैंने अपना ओपिनियन आपको बताया है। आपको तो हेयर रिमूवल स्प्रे को लेके जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो ये तरीका था कि इंस्टेंट कैसे आप बालों को हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप परमानेंटली बालों को हटाना चाहते हैं, हमेशा के लिए चेहरे से अनचाहे बालों को, बॉडी से अनचाहे बालों को हटाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर की है कि कैसे आप घर बैठे घरेलू तरीके से अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, चाहे फेस के बाल हो चाहे बॉडी के बाल हो। बहुत अच्छी वीडियोस है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। उन वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर से देख लेना। तो ये वीडियो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाना, और सब्सक्राइब में कंजूसी तो और भी बिल्कुल भी मत दिखाना। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तो मैं नेहा मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।